दोस्तों पिछले तीन दिन से जहां समूह बैरल पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में किसान इकट्ठा हो रहे हैं और आपको पता है कि वहां के हालात एकदम मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, और लेकिन वहां की पूरी स्थिति के बारे में हम हमारे साथ बिलासपुर से जो ब्लॉक प्रधान हैं वीर सिंह, राम राम जी। मतलब आपको पता है कि समूह बैरल पर आपको पता है कि जो जो हालात बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो टकैत गुट है वो कहीं ना कहीं इस गुट से अलग एक दूरी बनाए हुए है। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, जो जी जी। आम जनता के बीच में आप हमारी बात को पहुँचाने के लिए बिल्कुल किसानों की बात को रखते हैं, हर समय आप हमारा साथ देते हैं जी सर। और दूसरी बात यह है, हमारा कोई किसी से अलग कोई वो नहीं है, किसान सब एक हैं जी, और एक एकजुटता में ही चलेंगे जी। और अब जैसे सरकार ने शंभू बॉर्डर पे किसानों के साथ इतना अत्याचार किया है, गोलीबारी और आंसू गैस के जो गोले छोड़े जा रहे हैं, ये पृष्ठ जो सरकार थी वही वही चीज है, उन्हीं की कॉपी है, ये अंग्रेजों की औलाद है जी। और उन इनकी नीति यही है, यानी किसान और मजदूर को दबाने की जी। यानी हमारी जो जायज मांगे हैं हम अपनी जायज मांगे मांग रहे हैं जी। कोई हमारी कोई गलत वो नहीं है मांग। आप वीर सिंह जी ब्लॉक प्रधान है रणजीत पर जोन के, हाँ जी, वीर सिंह संधू, तो आपका मतलब क्या मांगे हैं और इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मांगे हमारी सबसे पहले तो MSP की कानून गारंटी बनाए जी। और दूसरी स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक हमारा यानी MSP दिया जाए सरकार, हाँ जी हाँ, वो मिलना चाहिए जी। और एक बार इनको किसानों को बिल्कुल कर्ज मुक्त किया जाए, क्योंकि कभी परमात्मा की दृष्टि भी खराब हो जाती है किसानों के ऊपर, ओला वृष्टि इतनी हुई है, यानी कितनी फसल अम्बाड़े में यमुना नगर में कितना खराब हुआ, उसकी मुआवजे की मांग की, मुआवजे की मांग कर रहे हमारे को, पर कोई वो नहीं है, सिर्फ जो ज्ञापन देते हैं रद्दी की टोकरी में गिर जाते हैं, इस सरकार को कोई यानी इसमें सुना ही नहीं है किसान। वीर सिंह जी बात करते हैं कल 16 तारीख क्या की, कल का आपकी क्या योजना है? कल को हमारा भारत बंद का वो है संयुक्त मोर्चे का, और वो इसमें भारत बंद करेंगे इसके उसमें। तो आपको लगता है कि भारत बंद से कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव असर होगा सरकार? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमारे साथ जिला महासचिव है जसबीर सिंह जीतपुर से। तो जसबीर जी, आपकी कितनी मांगे हैं और कितना जायज मानते हो इन मांगों को? मारी तो कहीं ना कहीं ये थप्पा लग रहा है कि आम जनता को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है शंभू बॉर्डर पे जो जो हालात हैं आप उनको अनदेखा नहीं कर सकते। हमारी तो 12 मांगा है जी जी, तो हमारी तो 12 मतलब एक दो मांग भी नहीं मान रहे। अच्छा जी, हाँ तो किसान अपनी मांग ही बता जा रहे और कोई वहाँ लड़ाई करने थोड़ी तो जा रहे। आपको लगता है जो आपकी 12 मांगे हैं वो जायज है? हाँ जायज है सारी, कोई नहीं जायज नहीं है जी। और कहीं ना कहीं खालिस्तानियों का भी धप्पा लग रहा है? खालिस्तानी कोई नहीं है, जो किसान की लड़ाई लड़ रहे हो किसान ही है जी जी। हाँ इसमें तो सरकार बता रही, कोई खालिस्तानी बता रही, कोई किसी ने कुछ बता रही जी जी। आज का क्या प्रोग्राम है? पुतला फूकेंगे जी हम खट्टर कर मोदी का रोने का। तो एक तरफ जहाँ शंभू बॉर्डर पर किसानों के पर अत्याचार हो रहा है, गोलीबारी भी चल रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा पुतला फूका जा रहा है, तो क्या पुतला फूकने से इसका समस्या का समाधान होगा? समाधान होगा जी, आप पुतला फूकेंगे जी। अच्छा जी, तो सरकार पर मैसेज आएगा भाई, दुखी तो सभी है ना जी जी, हर में भी किसान ही है जी, ये उसमें ऐसा भी कोई कट्ठी तो चलते नहीं जी, कोई दो दिन आगे चलते, कोई दो दिन पीछे चलते, संगठन सारे चलाएंगे। अभी आपकी तरफ से टकैत गुट की तरफ से कोई सारे एक ही है स्कैम पे, अगर जरूरत पड़ी आप उनके सपोर्ट में चल रहे, अभी ऑर्डर का इंतजार कर रहे हो? ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, आज पुतला फूकेंगे जी, कलों बाजार बंद करेंगे। तो बाजार बंद, तो रोडवेज की बसें ट्रैफिक सब कुछ बंद करेंगे? बंद करेंगे, एक बड़े तो क्या टाइमिंग है जी? दूध घास सब बंद करेंगे। क्या टाइम होगा सुबह से? सुबह जी 6 से 4 तक बिल्कुल बंद रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन टकैत गुट के जिला महासचिव हैं और राजवीर जी हैं भाई साहब, और भी यहाँ पदाधिकारी हैं, इनकी जो बातचीत थी आपके सामने रखी है, और आगे भी हम आपको ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे। देखते रहिए CT71।